गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गुड मॉर्निंग अमर, गुड मॉर्निंग देवेंद्र, गुड मॉर्निंग आदित्य, गुड मॉर्निंग दीपक, मॉर्निंग मॉर्निंग भैया मॉर्निंग। बस फटाफट आ जाइए, शेयर वेयर कर दो, लाइक वाइक कर दो। गुड मॉर्निंग प्रिया, जल्दी जल्दी आ जाएं तो फिर मैं क्लास को शुरू करूंगा, ठीक है? ओके, कल वाला लेक्चर देख लिया आप लोगों ने? कोई ऐसा तो नहीं जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा है? कल सुबह का जो 7 बजे का लेक्चर था करंट अफेयर का, अगर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देखिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट वन, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? हाँ, तो आई सजेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ उस लेक्चर को नहीं छोड़ना है किसी को भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी होली, हैप्पी होली। गुड मॉर्निंग गाइस, शेयर लाइक ये सब भी करना नहीं भूलेंगे, ठीक है? इसको शेयर भी कर दो, अगर ग्रुप वगैरह में किसी कहीं पे हो तो उसमें भी शेयर कर दो, ठीक है? यस, तो लेट्स स्टार्ट, आज के सेशन शुरू कर लेते हैं हम लोग। बच्चों आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज संडे भी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को अपन इनकैश करेंगे। 28 मार्च है आज, और आज ही होलिका दहन भी है, और आपके पास एक मौका भी है आज कि दिन के 12 बजे आपके लिए CDS कैटेगरी में एक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, दैट इज स्पेशल फ्री टेस्ट, ठीक है? स्पेशल फ्री टेस्ट है वो पूरी तरीके से, और इस टेस्ट में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं और जब आप टॉप 25 में आएंगे ना, टॉप 25 में, तो उन सभी बच्चों के लिए 5,000 रुपये तक का चांस, 5,000 रुपये तक वो विन कर सकते हैं प्राइजेस को, 5,000 रुपीज प्राइज विन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक बढ़िया मौका है कि आप इसको फटाफट दीजिए, और टॉप 25 तो बहुत ही मुझे लगता है इजी है आपके लिए आना, टॉप 3 वगैरह होता तो अभी मुश्किल हो जाता, नए बच्चे भी आ सकते हैं इसमें तो। और आप जब ये टेस्ट दोगे तो रियल टाइम एग्ज़ाम एक्सपीरियंस होगा आपको कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, तो एक अच्छा यूनिक आप हम कह सकते हैं कि आपको मस्त मज़ा आएगा इस टेस्ट को देने के बाद, ठीक है? तो बच्चे आप टेस्ट को दीजिए। दो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं CDS या FCAT की और मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, रिसेंटली अभी 3rd-4th दिन हुआ है, 4th डे हुई है, तो 24th मार्च, अभी जो ये डे था, 24th मार्च को CDS के लिए एंड FCAT के लिए, इन सब के लिए कंपोजिट बैच शुरू हुआ है। एक बार ये बैच आप ज्वाइन कर लोगे तो फिर आपको अलग से बैच लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन हो जाए तो अभी सफिशियंट टाइम भी है, 5-6 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा, और इतने टाइम में मुझे लगता है कि आपकी तैयारी या प्रिपरेशन बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आई सजेस्ट यू गाइज कि आप इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और पढ़िए इसमें, ठीक है? तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स मेरे रनिंग बैचेस करना चाहते हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि मेरे 2 बैचेस अभी चल रहे हैं, एक इंडियन पॉलिटी का और एक इंडियन इकोनॉमी का। तो बच्चे जो इंडियन पॉलिटी का बैच स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी 25th मार्च से स्टार्ट हुआ है, यानी कि अभी 2 क्लासेस ही हुई हैं इस बैच में, आज 3री क्लास होगी। तो प्लीज़ हमने नया टॉपिक शुरू किया है DPSP, तो इस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हो आप DPSP से। 7 बजे शाम को बैच होता है, आप यू आर कॉर्डली इन्वाइटेड फॉर दैट बैच। बस प्लस कोर्स है ये, यानी कि एक नॉमिनल फीस होती है, इसको भी आपको देना पड़ता है, तो मैं अभी वो भी सिस्टम भी समझा देता हूँ। जो बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं unacademy@HIM12, ये टेलीग्राम का चैनल है, इसको ज्वाइन करने के बाद मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल जाएंगी आसानी से, और इन इस टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन कर लेंगे तो PDF, क्लास नोटिफिकेशन और मेरी क्लासेस जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, जो फ्री क्लासेस होती हैं, उनको आप कैसे एक्सेस कर पाओगे वहाँ से ही पता आपको चल जाएगा। जो बच्चे कोर्स परचेज करना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा
कि जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सोचें तो ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर जो फीस दी है वो भी वही पे कर दें। आपको इसमें डिस्काउंट का भी ऑप्शन होता है, तो आपको वहाँ पर 10% का एक डिस्काउंट मिलता है रेफरल कोड लगाकर। वो रेफरल कोड आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं और अनअकैडमी के किसी भी कैटेगरी की, SSC, UPSC, कोई दूसरी कैटेगरी भी है डिफेंस के अलावा, तो वहाँ भी ये कोड काम करता है। तो यू आर एलिजिबल टू गेट द डिस्काउंट HIM12, ये कोड आपको याद रखना है। चलिए, तो सभी बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी आज के सेशन की शुरुआत की जाए, वी आर रेडी। और हम लोग बिल्कुल, मैं एक बार सबके कमेंट्स देख लेता हूँ और मैं सबसे यही एक्सपेक्टेशन रखूँगा कि जब भी आप आए क्लास के अंदर तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ये सब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि इससे पता चलता है। ठीक है, चलिए। तो हमने यहाँ पर देखा दुर्गेश, क्या हाल चाल है बेटा, प्रतीक जी भी आए हैं, लेट स्टार्ट, राजा बाबू, ओके, दीपक, साहिल, बहुत बढ़िया, चलो ओके। तो गाइज आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हमने लिया हुआ है डाउन टू अर्थ न्यूज़पेपर से। बेसिकली डाउन टू अर्थ न्यूज़पेपर क्या बता रहा है, हमने क्या किया है, इस पर भी थोड़ा फोकस करेंगे। पोचिंग हैबिटेट लॉस ऑफ पुश अफ्रीकाज एलिफेंट टू द ब्रिंक। कहते हैं अफ्रीका के जो एलिफेंट हैं, जो हाथी हैं, उनको काफ़ी हद तक खतरा हो चुका है क्योंकि उनका पोचिंग यानी कि उनका अवैध शिकार किया जा रहा है। इसीलिए अब IUCN थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क हो गया है, थोड़ा एक्टिव हो गया है। तो अफ्रीका ने ये डिक्लेयर किया, IUCN ने ये डिक्लेयर किया है कि अफ्रीकन फॉरेस्ट में दो दो तरीके के बेसिकली एलिफेंट पाए जाते हैं। एक तो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट पाया जाता है और दूसरा सवाना एलिफेंट पाए जाते हैं। तो अफ्रीका के जंगलों में ये दो तरीके के जो एलिफेंट पाए जाते हैं, इन एलिफेंट्स को इंडेंजर्ड कैटेगरी से निकालकर क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड इंडेंजर्ड कैटेगरीज में डाल दिया गया है। तो बेसिकली अब यहाँ पर इनका शिकार करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएगा और एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। चलिए बात करते हैं इस पर क्या है। तो IUCN वो संस्था है जो काम करती है कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए। तो IUCN यानी कि इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म भी आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सुमित, गुड मॉर्निंग। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हैज डिक्लेयर्ड, कहते हैं कि अफ्रीकन फॉरेस्ट सवाना और एलिफेंट एज ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड एंडेंजर्ड रेस्पेक्टिवली। तो अफ्रीकन फॉरेस्ट जो अफ्री देखो यहां पर एलिफेंट्स की दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक कैटेगरी क्या है, तो एक कैटेगरी है अफ्रीकन अफ्रीकन एलिफेंट या अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, ठीक है, एक कैटेगरी ये है। और दूसरी कैटेगरी है सवाना, ठीक है। तो जब मैं अफ्रीकन फॉरेस्ट कहता हूं तो अफ्रीकन जंगल नहीं, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, ठीक है, ध्यान रखना। तो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जो है उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड का स्टेटस मिला है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड और इसको एंडेंजर्ड। तो मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही स्पेसीज की दो अलग अलग, जो हम ये कह सकते हैं कि एक ही स्पेसीज के दो अलग जो एलिफेंट्स हैं उनको अलग अलग ट्रीटमेंट दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। अफ्रीकन एलिफेंट्स वर ट्रीटेड एज अ सिंगल स्पेसीज, यानी कि इनको एक ही स्पेसीज माना जाता था और इनको पहले वल्नरेबल ग्रुप में रखा गया था। लेकिन यह पहली बार क्या हुआ कि इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया गया और सेपरेट करके अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया और बाकी सवाना एलिफेंट को IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया। मुझे लगता है ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि पहले इनको एक ही ग्रुप में रखा गया था, वल्नरेबल ग्रुप में। यहां पर आप इसकी इमेज से भी पता कर सकते हैं, ये वाला जो आपका एलिफेंट है ये अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है, ठीक है, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है, और ये वाला जो एलिफेंट है ये सवाना एलिफेंट है, ठीक है। तो इनको स्टेटस बदल दिया गया है और बदल कर क्या किया गया है, पहले ये वल्नरेबल ग्रुप में हुआ करते थे, नाउ इट इज चेंज नाउ, तो अब चेंज करके इसको कर दिया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और इसको कर दिया है एंडेंजर्ड, ठीक है।
बहुत ही सिंपल है। और ये स्टेटस करने का काम कौन करता है चेंज करने का, तो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, IUCN ये काम करता है। अब अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में बात करें तो अफ्रीकन एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, लैंड पर सबसे ज्यादा भारी भरकम अगर एनिमल है तो वो कौन है, अफ्रीकन एलिफेंट्स है। अगर यहां पर देखें तो कि भारत के अंदर भी तो सर एशियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं या एशिया के अंदर भी पाए जाते हैं, तो कहते हैं ये थोड़ा बहुत ही स्लाइटली लार्जर, भारत के जो एनिमल होते हैं या एशिया के अंदर जो एनिमल पाए जाते हैं उनकी तुलना में ये थोड़े बहुत क्या होते हैं, थोड़े बहुत ज्यादा वजनदार होते हैं, लार्जर होते हैं, थोड़े वजन बड़े होते हैं। ये भारत के एलिफेंट या एशियन एलिफेंट्स की तुलना में देखा जाए तो कैसे अलग है, तो एशियन एलिफेंट्स के पैरों में एक उंगली होती है लास्ट में, तो वहीं पर एंड में इनके वहां लास्ट जो पैर होते हैं तो वहां पर दो उंगलियां होती हैं। देखो दे हैव टू फिंगर लाइक अगर फीचर्स ऑन द एंड ऑफ देयर ट्रंक, वाइल एशियन एलिफेंट्स हैव जस्ट वन, तो जहां लास्ट की उंगली होगी उसमें दो उंगलियां होंगी और इनके इनके दो उंगलियां होती हैं और एशियन एलिफेंट्स के एक ही उंगली होती है। और ये एलिफेंट्स इस बार एलिफेंट से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स में सवाल भी आया था, ध्यान रखना यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो जब यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर का तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेगा। कहते हैं एलिफेंट्स आर द मैट्रिकल, यानी कि एलिफेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली उनका जो ग्रुप होता है उसमें जो मादा होती, मादा मतलब जो लेडी एलिफेंट हो गई एक तरीके से, वो इनकी हेड रहती है, मुखिया रहती है और उसको सभी लोग फॉलो करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो भारत के परिवारों में पुरुष हेड होते हैं, तो एलिफेंट्स की फैमिली में फीमेल लीड करती है, कौन लीड करती है, फीमेल लीड, ठीक है। तो याद रखना एलिफेंट्स हैव अ लॉन्गर प्रेगनेंसी देन एनी मैमल, यानी कि कोई भी मैमल, जो भी मैमल है उसकी तुलना में सबसे ज्यादा टाइम तक प्रेग्नेंट कौन रहता है, तो 22 मंथ्स लगते हैं इनको किसी बच्चे को जन्म देने में, तो वो एलिफेंट्स ही है। यानी कि कोई भी स्तनपान कराने वाला प्राणी है तो उन प्राणियों में 22 महीने का है, 22 महीने मंथ्स का प्रेगनेंसी लगता है। देयर आर टू स्पेसीज अफ्रीकन एलिफेंट्स, यानी कि अफ्रीका के एलिफेंट्स में अगर देखें तो दो तरीके की प्रजातियां हैं, एक तो है सवाना जिसको आप बुश भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बुश एलिफेंट, एंड फॉरेस्ट एलिफेंट, दो एलिफेंट है फॉरेस्ट एलिफेंट। सवाना एलिफेंट्स आर द लार्जर ऑफ टू, तो आप ध्यान रखना सवाना एलिफेंट जो है इनकी तुलना में थोड़े से बड़े होते हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ी सी साइंटिफिक बातें भी कर लेते हैं। दुनिया की नजरों में मेल हेड ओरिजिनली तो कोई और होता है, अच्छा हाँ ये बात भी सुमित की, इस बात से मैं एग्री हूँ, और सुमित में ऐसे लक्षण भी दिख रहे हैं। और जब जो इंसान पहले से ये बात मान ले ना कि कोई और मेन होता है, वो फिर कभी मेन बन भी नहीं पाता है, पता है। अफ्रीकन सवाना एलिफेंट की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम आप ध्यान रखना है, लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, ये इसका क्या है साइंटिफिक नेम है, ठीक है याद रखें। डिक्लाइन की बात करें तो कहते हैं पिछले 50 सालों में 60% पॉपुलेशन में इनके डिक्लाइन हुआ है, 60%, और आज के टाइम पर इनको जो स्टेटस प्रोवाइड किया गया है एंडेंजर्ड स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। और ये कहां पाए जाते हैं, तो प्लेन्स ऑफ सब सहारन अफ्रीका, ठीक है, प्लेन्स ऑफ सब सहारा अफ्रीका। तो इस हिसाब से ध्यान रखना कि अफ्रीकन सवाना एलिफेंट जो है साइंटिफिक, अब देखो मैं आप वापस से रिपीट कर रहा हूं, अपनी कॉपी में लिखते रहिए, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, तो लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, ठीक है। जितना यानी कि 50 साल से लेकर पिछले 50 सालों में 60% आबादी कम हो गई इनकी, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डालना बिल्कुल सही है, यानी कि इसकी मास लेवल पर पोचिंग हो रही होगी, अवैध शिकार हो रहा है। और हाथियों का अवैध शिकार तो फिल्मों के लिए भी बहुत हॉट टॉपिक है, फिल्मों में भी खूब होते। तो IUCN स्टेटस की अगर बात करें, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, IUCN स्टेटस की बात करें तो अफ्रीकन सवाना एलिफेंट्स जो है उनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। हैबिटेट यानी कि ये कहां पर निवास करते हैं,
प्लेन्स ऑफ सब सहारन अफ्रीका में रिवाज करते हैं। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की बात करें तो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट का नाम है लोक्सोडोंटा साइक्लोटिस। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। डिक्लाइन कितने परसेंट से, तो कहते हैं ड्रॉप्ड बाई 86% इन द लास्ट 31 ईयर्स। पिछले 31 सालों में अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट का बहुत ही मास लेवल पर अवैध शिकार किया गया और इनकी पॉपुलेशन में जो डिक्लाइन देखा गया है वह है 86% का। IUCN का स्टेटस क्या है, तो IUCN ने इनको स्टेटस दिया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड का। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड का क्या चक्कर है और ये दोनों कैटेगरीज क्यों दी गई, क्योंकि इनका मास लेवल पर पोचिंग किया जा रहा है। एक बार यस कर दीजिए सभी बच्चे जिससे कि मैं आगे चल पाऊं जल्दी से। ठीक है, ओके। अब हम बात करने वाले हैं एशियन एलिफेंट्स, क्योंकि एशियन एलिफेंट्स का भी जिक्र हुआ था, तो एलिफेंट्स की सभी कैटेगरी यहां पर डिस्कस कर ली जाए तो ज्यादा अच्छा है। एशियन एलिफेंट्स, देयर आर 3 सब स्पीसीज ऑफ एशियन एलिफेंट्स। कहते हैं कि भारत के अंदर या पूरे एशिया में एलिफेंट्स की 3 सब प्रजातियां पाई जाती हैं, उप प्रजातियां। पहली एक इंडियन एलिफेंट होता है, एक सुमात्रन एलिफेंट होता है और एक श्रीलंकन एलिफेंट होता है। पूरे विश्व के अंदर एलिफेंट्स की पॉपुलेशन बताई जाती है 20,000 से 40,000 के बीच में, यानी कि इनके पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, फिर भी 20,000 से लेकर 40,000 तक के बीच में ये बताते हैं। द इंडियन सब स्पीसीज हैज वाइडेस्ट रेंज अकाउंट्स द मेजोरिटी ऑफ द रिमेनिंग एलिफेंट्स ऑन द कॉन्टिनेंट, यानी कि सबसे ज्यादा वाइडेस्ट रेंज है तो इंडियन सब स्पेसीज के पास ही है। ठीक है, कहते हैं देयर आर अराउंड 28,000 एलिफेंट्स इन इंडिया विद अराउंड 25% देम इन कर्नाटका। सबसे ज्यादा एलिफेंट्स कहां पाए जाते हैं, तो इनके हिसाब से सबसे ज्यादा एलिफेंट्स आपको कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेंगे। अब इस रिलेटेड इसके स्टेटस पर बात कर लेते हैं कि IUCN के अंदर एशियन एलिफेंट्स को क्या स्टेटस है, तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में। किस कैटेगरी में है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एशियन एलिफेंट्स आपको कर्नाटका में मिलेंगे। साइट्स के अंदर इसकी स्टेटस क्या है, तो अपेंडिक्स 1 की कैटेगरी में रखा गया है और जो इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें इन्हें शेड्यूल 1 में रखा गया है। तो यानी कि इसे इंडिया के अंदर एशियन एलिफेंट्स को एंडेंजर्ड, यानी कि इनका भी शिकार वगैरह ना हो, तो इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। अगर आप इनका शिकार करते हैं तो आपके खिलाफ यहां पर क्या चलेगा, केस चलेगा। तो 3 कैटेगरी के एलिफेंट्स हमने देखे, एक अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट देखा, यहां पर लिख देता हूं अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जिनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया, फिर सवाना एलिफेंट जिनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा जाता है और एशियन एलिफेंट जिनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ चुका है, तो एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए कि हाँ ये टॉपिक समझ आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, आगे चलिए। ठीक है, चलो एक बार कमेंट करके हमें बताते रहेंगे। और सभी बच्चे जब भी कोई वीडियो देखें तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर दें, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए, बाद में भी शेयर कर दिया करो, है दूसरे लोगों की क्लास तो शेयर कर देते हो, मेरी क्लास नहीं शेयर करते, ये गलत बात है। हाँ, इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है जिसने डिक्लेयर किया है कुछ चीजों के बारे में, देखते हैं। अर्थ आवर 2021, तो अर्थ आवर 2021 के अंदर क्या होता है, कैसे करते हैं, तो अर्थ आवर डे 2021 अर्थ आवर प्रमोट द अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि अर्थ आर क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ऐसी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया है और यह अर्थ आर हमने कल ही यानी कि 27 मार्च को ऑब्जर्व किया है। अर्थ आर इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 27 मार्च 2021। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ आर जो है वह हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है, क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए, देन आंसर हो जाएगा गलत। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अर्थ आवर हर साल
मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाते हैं। डेट इज नॉट फिक्स, ये डेट के हिसाब से नहीं मनाया जाता बल्कि लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को मनाते हैं। तो अर्थ आर इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर्स एनुअल इनिशिएटिव दैट बिगिन इन 2007। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2007 में, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई, जो अर्थ आर का कॉन्सेप्ट है, इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ फॉर नेचर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है, उन्होंने इसकी शुरुआत 2007 में की थी। इट इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, यानी कि हर साल जो सैटरडे होता है मार्च का, लास्ट सैटरडे, उसको ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें ये अवेयर करते हैं लोगों को कि हमारे एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें इनकरेज किया जाता है पीपल को कि मोर देन 180 कंट्रीज के अंदर लगभग 180 से ज्यादा देश ये जो अर्थ आवर का कॉन्सेप्ट है इसको सेलिब्रेट करते हैं। स्विच ऑफ द लाइट्स फ्रॉम 8:30 PM टू 9:30 PM एज देयर लोकल टाइम। मतलब अर्थ आवर के अंदर WWF का ये एक मानना है कि हम एक सिंबॉलिक तरीके से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कॉल ले रहे हैं और 8:30 से 9:30 लोकल टाइम का मतलब हुआ कि जब चाइना में 8:30 और 9:30 होगा, 8:30 से नहीं, तब वहां पर बंद करेंगे। जब इंडिया के अंदर 8:30 और 9:30 होगा तो यहां बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आपको यहां पर ध्यान रखना है। यानी कि इनका ये कहने का मतलब है कि जब कभी भी कहीं भी 8:30 से 9:30 बजेंगे, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल टाइम इंडिया में 8:30 से 9:30 बज गए तो अब सब जगह बंद करना, नहीं, इंडिया के अंदर 8:30 से 9:30 बजेंगे तो तब यहां पर बंद करना, ठीक है। जहां भी यूएसए के अंदर 8:30 से 9:30 बज गए तो वहां बंद करना। तो इन्हें लाइट्स को क्या करना है, स्विच ऑफ करना है। आप कहेंगे सर वन आवर में क्या होता है, एक घंटे में क्या होता है? तो एक घंटे के अंदर बेसिकली यह होगा कि आपको ये चीज साल दर साल याद दिलाई जा रही है कि ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और एक काम ये आप कर सकते हैं और आप कर नहीं रहे, एक अलग चीज है, बट हम लाइट्स को स्विच ऑफ कर सकते हैं। दूसरी चीज, कई दफा हमने ये देखा है घरों के अंदर बिना वजह के, आप हम कह सकते हैं फालतू में लाइट्स ऑन रहती हैं, लेकिन जब इस तरीके के इनिशिएटिव चलाए जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं, लाइट्स अगर बिना वजह ऑन है तो इससे भी हमारे एनवायरनमेंट को काफी हद तक लॉस पहुंचता है। तो इसीलिए यह इनिशिएटिव चलाया गया है जिससे आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। अर्थ आवर हैज बिकम अ कैटलिस्टिक फॉर पॉजिटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट ड्राइविंग मेजर लेजिस्लेटिव चेंजेस बाय हार्नेसिंग द पावर ऑफ पीपल एंड कलेक्टिव एक्शन। कहते हैं कि अर्थ आवर के अंतर्गत जब हम लोग ये काम करते हैं तो उसके काफी हद तक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं सोसाइटी के ऊपर। साथ ही साथ इसे इस तरीके के जब अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी पार्लियामेंट, बहुत सारी कानून बनाने वाली संस्थाएं बहुत ही कलेक्टिवली एक्शन ले रही हैं और जो पावर वगैरह को गलत तरीके से पीपल लोग वहां के हार्नेस कर रहे हैं तो उसको लेकर भी कानून बनाए जा रहे हैं। अगर देखें तो इसमें लोगों की अवेयरनेस कैसी दिखाई दे रही है इसको भी हम देख सकते हैं। तो कहते हैं क्रिएट अ 3.5 मिलियन, अब देखो इसमें एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना अवेयरनेस फैली है। तो अर्जेंटीना के अंदर 3.5 मिलियन का मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डेवलप किया गया है, ठीक है, यानी कितने 0.5 मिलियन का, 3.5 मिलियन हेक्टेयर मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डेवलप किया है अर्जेंटीना ने। 2014 में गैलापागोस आइलैंड है जो कि बिलोंग करता है, ध्यान रखना, बिलोंग करता है कहां से, प्लीज गाइस मुझे बता दो कि ये सेशन हर रोज होता है। हाँ अभी तो ये हर रोज होगा। अगर देखो सेशन दो तरीके से होते हैं, एक सेशन होता है 7 AM, हालांकि 7 AM पर ही होते हैं लेकिन उसकी दो कैटेगरी है। सेशन या तो अन अकेडमी पर होगा तो वहां भी फ्री में होता है, और या तो फिर ये YouTube चैनल पर होता है। इसकी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में दी जाती है रेगुलर बेसिस पर कि कल आपकी क्लास कहां पर होगी, ठीक है। मेजरली ऐसा होता है कि मंडे से फ्राइडे के बीच में अन अकेडमी पर होती है
और बाकी सैटरडे और संडे कहाँ पर होती है? यूट्यूब पर होती है, ठीक है। और बाकी लोगों के कमेंट्स में जो देख पाए हैं, इसलिए पावर कट था शाम को। अच्छा मैं एक बार देख लेता हूँ सबके कमेंट। ये आकाश, ओके प्लीज, ओके चलिए बहुत बढ़िया। बाकी सब टनाटन है, सबके गुजिया बन चुकी है सबके घरों में, जल्दी बताइए खा भी लिए होगे अब तक तो, हैं सुबह उठ के उधम मचा दिए होगे। वाह तुम्हारा, लोगों का तो अलग ही चल रहा भाई, वाह 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 हैं। कौन कौन निपटा दिया है गुजिया भाई साहब? नहीं अभी नहीं, आप खाए? हाँ खा ली मैंने। मैं मतलब आजकल तो हेल्थ कॉन्शियस हो रहा हूँ, तुम्हें फिर पता ही है कि नहीं। होली जलने के बाद गुजिया बनती है? अच्छा होली जलने के बाद? अच्छा बेड पे ही हूँ अभी तक। ओह एकदम टमाटर, मैंने कल से ही शुरू कर दिए खाना कि बनाना। हाँ तुमको तो कई लोगों के घर में बनाना पड़ेगा ना, तो फिर तुम तो शुरू ही कर दो कल से, लेट शुरू की इस बार तो। कल मैंने कहा था अगर किसी के घर में होली के बाद भी गुजिया बन रही है, तुम ये मत सोचो कि वो शौकीन है, फिर तुम ये समझ लेना उनका गुजिया बनाने का ही काम है, हलवाई है वो। अगर किसी के घर में होली के बाद भी गुजिया बन रही है कि नहीं। फेस्टिवल मीन्स भोजन, तो ये हमारा लॉजिक है। अब इस लॉजिक को हमने जैसे देखना है वैसे देखना है। कुछ भी क्या कुणाल, अगर तुम्हारे घर में इस तरीके से काम हो रहा है तो तुम चेक करो कहीं दुकान तो नहीं खुल गई। चलो कह रहे मिस्टर राजा बाबू, कह रहे स्टार्ट हो गए सर। नहीं नहीं स्टार्ट क्यों हो गए, स्टार्ट ही थे, इसमें क्या स्टार्ट होना है। चलो भाई आ जाए शुरू करें। ओके तो कहते हैं कि देयर आर सम एग्जांपल्स, एग्जांपल देख सकते हैं इसमें कि इस तरीके के इनिशिएटिव यानी कि जो ग्लोबल अर्थ आर हमने मना रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, उससे कितनी कंट्रीज पर क्या क्या असर पड़ा है। तो 3.5 मिलियन हेक्टेयर मरीन प्रोटेक्टेड एरिया अर्जेंटीना के अंदर डेवलप किया गया, इसको क्रिएट किया इन्होंने। बैन ऑल प्लास्टिक इन द गैलापागोस इन 2014 के अंदर, गैलापागोस में पूरी तरीके से प्लास्टिक को बैन कर दिया 2014 में, ठीक है ध्यान रखना। इसके अलावा प्लांट 17 मिलियन ट्रीज इन कजाकिस्तान। देखिए ये जो इनिशिएटिव है किस, इसकी वजह से कितने फायदे हो रहे हैं। तो कजाकिस्तान भी काफी हद तक समझदार निकला और उसने 17 मिलियन ट्री लगा दिए पूरे देश के अंदर, क्योंकि अवेयरनेस आई ना, अर्थ आर पूछा कि क्यों मना रहे हैं क्यों मना रहे हैं, तो उसके बाद देखा गया कि ये साहब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के, तो आप कंट्री से भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। आप भी सोचिए अगर आप कोई ऐसा इनिशिएटिव आ जाए, कहते कि लाइट बंद कर दे तो पर्यावरण बचेगा, तो सोचने वाले सोचेंगे ना कि हमने इसका मतलब पर्यावरण को बहुत ज्यादा हार्म किया है, इसलिए हमें ऐसी नौबत आ गई कि एक एक घंटे लाइट बंद करना पड़ रहा है। तो फिर पर्यावरण को बचाने के लिए इस तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं। तो प्लांट 17 मिलियन ट्रीज, साथ ही साथ लाइट अप होम्स सोलर पावर इन इंडिया एंड फिलीपींस। तो इंडिया और फिलीपींस ने सोलर पावर को प्रोड्यूस करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स भी चालू किए हैं। पुश अ न्यू लेजिस्लेशन फॉर प्रोटेक्टेड ऑफ सीज एंड फॉरेस्ट्स इन रशिया। रशिया ने क्या किया है कि सी यानी कि समुद्र और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पार्लियामेंट से कई सारे कानून बनाने का काम भी किया है, यानी कि कई सारे कानून भी बनाए हैं। अब ये जो इनिशिएटिव लेते हैं उनके बारे में भी जान लें कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 100 से ज्यादा देशों में क्या करती है, काम करती है, यानी कि पूरे विश्व के अंदर नेचर को कंजर्व करने वाली संस्था का क्या नाम है अगर आपसे पूछे तो आप WWF बोलना। WWF जैसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनेगा WWFN नहीं बनेगा, बल्कि इसको WWF के नाम से ही जानते हैं। तो याद रखना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन है। इट वॉज स्टैब्लिश इन 1961 में यह संस्था बनी और हेडक्वार्टर इसके ग्लांड स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। कहां पर? ग्लांड एक शहर है स्विट्जरलैंड का, वहां पर इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे। इसका मिशन क्या है, ये क्यों काम करते हैं? तो कंजर्व नेचर एंड रिड्यूस द मोस्ट प्रेसिंग थ्रेट्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। यानी कि आज हम जी तो रहे हैं लेकिन हमने जीते जीते पूरे जीवन को ही
अपने खासकर मॉडर्नाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ है कि हम मॉडर्न होने के चक्कर में हमने अपनी लाइफ को बहुत सारा क्या कर लिया है, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमने बहुत सारे थ्रेट पैदा कर लिए हैं अपनी लाइफ में। जब हम अपनी लाइफ में बहुत सारे थ्रेट पैदा कर लिए हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप सब लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम देश के अंदर पूरे विश्व में आ चुकी है, वो प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल इश्यूज। और इनसे निकल पाना तभी संभव होगा जब हम बहुत ज्यादा सख्त कदम उठाएंगे। तो कई सारे आप एग्रीमेंट्स देख लीजिए, जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट देखिए, उसमें भी नेचर को बचाने की बात की गई है। क्वाटो प्रोटोकॉल था, वो भी इसीलिए काम करता है, अर्थ आर है तो इसीलिए काम करते हैं। कई सारी रिपोर्ट या इंडेक्स जारी होती हैं, देखो उसको को भी, जैसे ग्लोबल ई वेस्ट रिपोर्ट जारी होती है, तो उसका भी पर्पज यही है कि नेचर को किस तरीके से प्रोटेक्ट या कंजर्व कर लिया जाए। कहते हैं कि इनके अलावा और क्या इनिशिएटिव है, तो अदर इनिशिएटिव्स ऑफ WWF कई दफा पूछ सकते हैं आपसे, तो कहना कि एक तो TX2 गोल है, दूसरा ट्रैफिक, और तीसरा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट या रिपोर्ट को लेकर सवाल जरूर आ सकता है भाई, तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट यानी कि इस प्लैनेट पर रहने का जो सिस्टम है वो कितना बेहतर है, एनवायरनमेंट को कितना लॉस पहुंचा रहा है, तो इसको लेकर ये WWF वाले क्या करते हैं, एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो इस रिपोर्ट में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली ये बताया जाता है कि एनवायरनमेंट को कितना नुकसान और कितनी कन्वीनियंस है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। सुदर्शन ने सवाल पूछा, सर इज पेरिस एग्रीमेंट इज लीगली फॉर लीगली बाइंडिंग, तो इफ यू आर द मेंबर ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट देन इट इज अ लीगली बाइंडिंग। इसीलिए यूएसए ने इसे छोड़ दिया था, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वापस इस यूएसए इसको ज्वाइन कर लेगा। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखिए, उनमें पेरिस एग्रीमेंट्स के बारे में मैंने डिटेल से कई दफ़े पढ़ा रखा है, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के होने के चलते फेमस नहीं है, बल्कि और सारे उसके साथ जुड़े हुए कई सारे इवेंट्स हैं उनकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, हिंदुस्तान टाइम्स की एक और न्यूज़ है जो कि आपके डिफेंस के हिसाब से काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक डील साइन की है, और ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड नाम की संस्था के ने की है इंडिया के बिहाफ पर, और एक्वायर 4,690 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, और यानी कि अभी इंडिया ने 4,690 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ली हैं। किससे? द मिसाइल हैविंग द रेंज ऑफ 1850 किलोमीटर, 1850 किलोमीटर की रेंज की ये मिसाइल्स हैं, और कैन बी फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, इसे जमीन से भी कर सकते हैं फायर, एज वेल एज व्हीकल बेस्ड यानी कि किसी भी व्हीकल से भी लॉन्च किया जा सकता है, एंड देयर इंडक्शन इज प्लान टू बी कंप्लीट इन 3 ईयर्स बाय द मिनिस्ट्री से, यानी कि मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है कि इनको हम इंड्यूस कर लेंगे, अगले 3 सालों के अंदर ये एक्टिवली इंडिया का पार्ट हो जाएंगी। और कितनी मिसाइल्स हैं वापस से लिख दीजिए कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं 4,690, और 1,850 किलोमीटर 50 मीटर्स तक इनकी रेंज रहने वाली, लगभग 2 किलोमीटर। तो अब आप डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी मिसाइल है, क्या चक्कर है, यहां पर आप सुनिए। कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर ऑन फ्राइडे उन्होंने कहा है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज नोन एज भारत डायनामिक्स लिमिटेड एक्वायर कर लेगी 4,960 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एट कॉस्ट ऑफ 1,188 करोड़ फ्रॉम द इंडियन आर्मी। मिसाइल की जो रेंज, इसका डील कितने का हुआ है, कितने का डील है, तो 1,188 करोड़ रुपीज का, इतने का ये डील किया है। मिसाइल हैविंग अ रेंज ऑफ 1,850 मीटर्स कैन बी फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड एज वेल एज व्हीकल, जैसे मैंने अभी कहा है कि इसको फायर किया जा सकता है। दीज मिसाइल्स कैन बी फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड ग्राउंड एज वेल एज व्हीकल, और इनको एंटी टैंक मिसाइल के तौर पर काम करेंगे, यानी कि किसी को कोई अपने से भी इसको फायर कर सकता है। ठीक है, याद रखना, ये आपको पोजिशन यहां पर दिखाई दे रही होगी, और इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को हम क्या नाम देते हैं, मिलन 2T, नाम क्या है इसका, तो आपको अगर ध्यान नहीं है तो सॉरी मैंने पीछे नहीं बताया, तो मिलन 2T। ठीक है, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इनको इनका ये डील
साइन किया गया है, ठीक है। तो काफी हद तक इसको अगर मैं आप खुद से भी फायर करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, किसी टैंक से करना चाहते हैं वहां से भी कर सकते हैं, किसी हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो वहां से भी इजीली इन मिसाइल्स को क्या किया जा सकता है, इन मिसाइल्स को बेसिकली वहां से लॉन्च किया जा सकता है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक बार यस कर दीजिए सभी बच्चे जल्दी से फटाफट कि हाँ समझ में आ गया, मिलन टूटी नाम है इनका। जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो 4600 के आसपास जो मिसाइलें हम ले रहे हैं, 4690 मिसाइल्स, तो ये मिसाइल्स के नाम क्या है, तो आप कहेंगे मिलन टूटी नाम है इसका, ठीक है। चलिए फटाफट आगे चलूं। ओके ठीक है, अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों। ये क्वेश्चन रिलेटेड है कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स से। हाल ही में कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश की गई थी, और ये जो कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये बेसिकली डेवलप की गई है किसके द्वारा, ये सारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कहते हैं इट इज रिलीज्ड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। न्यूजीलैंड इज द बेस्ट परफॉर्मिंग नेशंस नेशन, यानी कि न्यूजीलैंड जो है एक बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन है इसके अंदर, आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप आंसर दीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम वापस से इसको करेंगे, ठीक है। किसी ने दिया, जब हम इसको पढ़ लेंगे तो हम एक बार फिर से देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। फटाफट आंसर करिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स, और ये क्वेश्चन आपके सामने है जल्दी से। हाँ जी आप लोगों के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, डोंट वरी। ओके ठीक है, चलिए लोगों ने सी ऑप्शन ज्यादा दिया है, कोई बात नहीं। चलिए पहले हम इसका रिपोर्ट इसके बारे में देख लेते हैं, देन हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि अबाउट द इंडेक्स, कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स वॉज कंपाइल्ड बाई सिडनी बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज नोन एज लोवी इंस्टीट्यूट एंड ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक। ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक का मतलब जैसे हमारे यहाँ नीति आयोग है उसी तरीके से इनका भी एक थिंक टैंक है लोवी इंस्टीट्यूट, विच सॉट द मेजर द रिस्पॉन्स ऑफ द कंट्रीज टू द पैंडेमिक। जिसने क्या कवर किया है कि पेंडेमिक से कॉम्बैट करने के लिए कंट्रीज ने किस तरीके की परफॉर्मेंस की है या किस तरीके का रेस्पॉन्स दिया है। तो यहां पर जो टॉप कंट्रीज के रूप में आइडेंटिफाई हुई हैं, तो न्यूजीलैंड टॉप द रैंकिंग्स क्लोजली फॉलोड बाय वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड एंड साइप्रस। कहा कि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन डेवलप्ड कंट्रीज को छोड़ दीजिए, जब ये इंडेक्स बनी कोविड-19 पेंडेमिक इंडेक्स, तो इस कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर न्यूजीलैंड ने सबसे बेहतर तरीके से कोविड-19 को टैकल करने का काम किया है और इसको क्लोजली वॉच भी किया है। साथ ही साथ देखा गया कि वियतनाम में भी बहुत अच्छे तरीके से, ताइवान, थाईलैंड, साइप्रस, इनको इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से अपने यहां पर कोविड-19 को क्या किया है, मैनेज किया है। बॉटम कंट्रीज में देखें तो ब्राजील के अंदर सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है, यानी कि ब्राजील ने सबसे घटिया तरीके से अपनी पैंडेमिक को मैनेज किया है। यूएसए वाज द फिफ्थ वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री, यानी कि यूएसए बॉटम से 5वें नंबर पर सबसे परफॉर्मिंग कंट्री है, मतलब वर्स्ट, सबसे खतरनाक तरीके से, गलत तरीके से, सबसे बेकार तरीके से अगर मैनेज किया है तो उसमें यूएसए जैसी डेवलप्ड इकोनॉमी का भी नाम आता है। 98 कंट्रीज की ये लिस्ट है जिसमें इनकी रैंकिंग कितनी है, तो 94 रैंकिंग है यूएसए की, और सबसे बॉटम में कौन है, तो ब्राजील है। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर हम यहां पर देखें तो जो बाकी की कंट्रीज हैं उन लोगों ने बेहतर काम किया, लेकिन कंपेटिवली मतलब यूएसए देखिए, ब्राजील देखिए, तो इन कंट्रीज ने बहुत ही बेकार तरीके से अपनी पैंडेमिक को मैनेज करने का काम किया। अगर देखा जाए कि साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर, तो यानी कि जो साउथ एशिया है वहां पर श्रीलंका वॉज बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन, यानी कि सबसे बेहतर ढंग से श्रीलंका ने मैनेज किया हुआ है, और जो कि रैंकिंग 10 पर है, बहुत ही शानदार रैंकिंग, इससे ज्यादा बेहतर रैंकिंग नहीं हो सकती। तो सबसे बेहतर ढंग से किसी ने मैनेज किया है तो रैंकिंग 10 है, वो श्रीलंका ने मैनेज किया। टॉप 10 में होना श्रीलंका के लिए बहुत ही बड़ी बात है, जबकि उनके पास इतने फाइनेंशियल क्रंचेस भी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, उसके बाद भी उनकी रैंकिंग इतनी अच्छी है।
मालदीव वॉज एट 25, यानी कि मालदीव की जो रैंक है वो 25 है, पाकिस्तान की 69, नेपाल की 70, बांग्लादेश की 84। तो इस तरीके से यहां पर देखा गया कि इन लोगों की रैंकिंग्स जो हैं वो इस तरीके की। लेकिन इंडिया कहां एस्टैब्लिश करता है, तो 98। इंडिया में भी बहुत पुअर मैनेजमेंट दिखाया है इस लिस्ट में, इस इंडेक्स के अंदर। तो कोविड 19 परफॉर्मेंस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया स्टैंड्स ऑन 86, यानी कि 86वीं रैंक है, ठीक है, ध्यान रखना। और 98 कंट्रीज आउट ऑफ 86। अब रीजन भी यही है कि वर्ल्ड के अंदर जैसे यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा केसेस देखे गए, दूसरा इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा केसेस देखे गए। तो इस तरीके से अगर कहा जाए कि हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये लिस्ट बेकार है, फर्जी है, लेकिन वैल्यूम ज्यादा है, केसेस ज्यादा है, इसलिए यहां पर इंडिया यूएसए का नाम इस तरीके से होना चाहिए, इसमें कोई सरप्राइजिंगली बात नहीं है। और ब्राजील की हरकतों की वजह से वो लॉकडाउन लगाने के फेवर में नहीं थे, तो यहाँ पर इसलिए ऐसा है। और बाकी पाकिस्तान, नेपाल, इन सब के पीछे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी माना गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब ने टेस्टिंग नहीं की, तो इनके ज्यादा केस ही नहीं आ पाए। तो जब इनका डेटा अवेलेबल नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि डेटा क्राइसिस की वजह से भी इनकी रैंकिंग ज्यादा हमसे इम्प्रूव है, एक ये हो सकता है। ये 98 कंट्रीज का सर्वे है बेटा, बिल्कुल 98 कंट्रीज का सर्वे है, और उसमें ब्राजील सबसे लोअर पर है, यूएसए बॉटम के फिफ्थ पर है, और इंडिया रैंक ऑन 86, यानी कि इंडिया की रैंक भी बहुत खराब है, बहुत खराब है, इंडिया की बॉटम 15 कंट्रीज में आ रहा है, ठीक है। कहते हैं एट 24.3 इट्स एवरेज वॉर लोअर देन, रीजन इट्स belongs to the Asia Pacific which scored 58.2 ranked the best in the region wise evaluation. हमारे Asia Pacific region के अंदर अगर annual पूरे average देखा जाए, total average, तो 58.2 का average है, ठीक है। लेकिन इंडिया का average, यानी कि इंडिया का जो average है 24.3 average है। तो यहाँ पर इसलिए इस तरीके से, हाँ अल्लाह उड़ाए हैं, भारत ने वैक्सीन बनाया, रैंक इतना गंदा। अच्छा, तो वैक्सीन बनाया है ना, अब बनेगा तो अब देखेंगे उसके इम्पैक्ट। बस बनने से पहले की ये रिपोर्ट है, यानी कि ये किस तरीके से मैनेज किया गया, लॉकडाउन कैसे लगाया गया, लोगों को किस तरीके राइट्स दिए गए, किस तरीके से कोविड 19 के आउटब्रेक को कंट्रोल किया सरकार ने। तो भारत के अंदर आउटब्रेक को कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, होना चाहिए। बट ये 94, तो इसके नीचे भी तो चार होंगे, 94 अमेरिका, यूएस का, ठीक है, और बाकी 98 पर वो है, ठीक है, याद रखना। तुमने उल्टा समझ लिया बेटा, बोलो एक बार यस कर दीजिए कि हाँ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, देश दुनिया आगे बढ़ रही है। यूएस 94th पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डंडनाडन कर दो भाई, चला दो तीर कमान जल्दी से, समझ रहा है ना तुम लोगों को सब, वो ज्यादा जरूरी है। कोई ये कह रहा था कि यूट्यूब पे समझ नहीं आता है, तो यूट्यूब पे कितना अच्छा, देखो कितने जल्दी जल्दी टॉपिक हो जाते हैं, एक घंटे की क्लास काफी प्रोडक्टिव होती है। कल भी मैंने कितने अच्छे 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 टॉपिक पढ़ाए थे आपको, आज भी देखो अल जजीरा से भी लेके आ गया। सोचो यहाँ इंडिया का न्यूज पेपर नहीं है तो मैं विदेश का न्यूज पेपर भी कवर कर दे रहा हूँ, लेकिन विदेश का न्यूज पेपर कवर तो कर रहा हूँ, बट इट डजंट मीन कि विदेशी न्यूज कवर कर रहा हूँ। अपने तो अल जजीरा नहीं पढ़ोगे तुम, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, देख रहे हो खतरनाक। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए और रेगुलर आइए, कल भी क्लास हो गए, ठीक है, आइए रेगुलर रेगुलर क्लास करिए, मेरी क्लासेस का आप लुत्फ उठाइए, और बहुत ही प्रोडक्टिव करने की कोशिश मैं हमेशा से करता रहा हूँ। और मैं कोशिश हमेशा यही कहता हूँ कि अनअकैडमी में ज़्यादा मज़ा आता है, मज़ा आने के लिए और भी क्लासेस तो लगाता हूँ मैं, बोलो एक आधी क्लास हमें बहुत सीरियस पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी, जिसमें बहुत प्रोडक्टिव, इस क्लास में इतनी प्रोडक्टिविटी कर देंगे ना कि आप कहोगे कि हाँ जी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, विदेश में भी देश छुपा हुआ है, वाह देवेंद्र क्या बात है। तो अल जजीरा के अंदर क्या एक न्यूज पब्लिश हुई, हालांकि ये जनवरी के एंड की न्यूज है, जो कि हमें पहले भी कवर कर लेनी चाहिए थी, बट कैसे वो छूट गई पता नहीं। तो GCC यानी कि गल्फ कंट्रीज जो काउंसिल है, इनकी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अरब देशों की, इनकी एक मीटिंग होती है, तो उसकी 41st मीटिंग अभी ऑर्गेनाइज की गई थी। और यहां पर GCC जो है उसके हेड होते हैं जी, विच इज यानी कि इनका एक बेसिकली हमारे यहाँ जैसे
कोई भी आप देख लो, कोई मीटिंग होती है उसमें हेड ऑफ स्टेट्स जाते हैं, तो उसी तरीके से सुप्रीम काउंसिल होती है इनकी, तो इनके भी जो हेड होते हैं वो मीटिंग करते हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो बेसिकली यहां पर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल अल उला सऊदी अरेबिया में ये मीटिंग कंडक्ट की गई। अगर आपसे पूछे 41st GCC गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की मीटिंग कहाँ हुई है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा एक ही जवाब होगा, जैसे ही हम देते हैं कभी उल्टा जवाब नहीं देना है, देना है अल उला। क्या बोलना है? अल उला सऊदी अरेबिया। है कितना प्यार नाम है, इससे अच्छा नाम सुने हो आज तक? कहाँ रहते हो? अल उला है, साउंड्स वेरी गुड। अब तुम लोग कहीं कहीं कोई कोई यहीं रहता होगा, कहीं कोई रहता है, अपने गांव का नाम बदल के ये रखवा लो, कितना इजी है। अब देखते हैं कुछ इसमें बेसिकली डिसीजन लिए गए जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया उस न्यूज पर, जो कि हमारा बैड है, आ बैड हो गया। तो गल्फ स्टेट्स ने क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, और बेसिकली सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी नाम का ये एग्रीमेंट या एक डील साइन की। अब ध्यान से सुनना, इस डील के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी नाम की डील साइन की, और ये डील कब साइन की थी? 41st गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में साइन की। कहां हेल्ड हुई? तो इट वाज हेल्ड एट अल उला सऊदी अरेबिया, ठीक है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझिए, कहते हैं ईयर 2017 यानी कि जून 2017 था, तो सऊदी अरेबिया और इसके अलाइज यानी कि इसके साथ के जो देश हैं, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और इजिप्ट, जो इसके साथ मिलकर कामकाज करते हैं, इन्होंने कतर के ऊपर नेवल फोर्स, एयर और लैंड ब्लॉकेट, इनको क्या कर दिया था? ब्लॉक कर दिया, लैंड इनके एक्सेस ब्लॉक कर दिया, तो यानी कि इनकी नेवल फोर्सेस की इधर से उधर मूवमेंट ब्लॉक कर दी, कि इन पर्टिकुलर यूएई वाले रीजन से, बहरीन से, इजिप्ट से, सऊदी अरेबिया से नहीं गुजरेंगे, चाहे लैंड के थ्रू गुजरना हो वहां भी नहीं गुजरेंगे, साथ ही साथ नेवल के थ्रू गुजरना है वहां भी नहीं गुजरने हैं, एयर के थ्रू गुजरना है वहां भी, यानी कि इनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। आप कहेंगे इतनी बेरुखी का क्या कारण है जनाब? कोई तो कारण रहा हो कि जो यूं बेवफा हो ली कंट्रीज, तो यस महबूब ने कुछ दगा कर दिया है इसलिए ऐसा हुआ है। क्या रीजन है? कतर के ऊपर इल्जाम था कि वो चोरी छिपे ईरान को बैक्ड कर रहा है, ध्यान रखना कतर के ऊपर, यस कतर के ऊपर इल्जाम था कि वो चोरी छिपे ईरान को बैक कर रहा है, और उसका मेन कारण बताया गया कि ईरान रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करने के लिए कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को चलाता है, और उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग जो है कतर की तरफ से जाती है, तो यहां पर यह कहा गया। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि यार आप एक इस्लामिक कंट्री है और ईरान पूरी दुनिया में वैसे ही बदनाम है, अब आप रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करने के लिए अगर ऐसा करेंगे तो इससे हमारी छवि इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल कम्युनिटी में खराब होती है, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये इनके ऊपर कुछ लगे इस तरीके के आरोप। कंट्री वॉज एलिग्ड टू सपोर्ट एंड फंड टेरर थ्रू सपोर्ट ऑफ ईरान। इन्होंने कहा कि कतर खुद से कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाता है, लेकिन उन्होंने ईरान को पैसा, फंड, ये सब सपोर्ट दिया, और जिसकी वजह से ये सब टेररिज्म वगैरह फैल रहा है। साथ ही साथ मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का एक ग्रुप भी बनाया गया, और सुन्नी इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप है जो कि जिसने सऊदी अरेबिया और यूएई को काफी हद तक क्या किया, काउंटर करने की कोशिश की, यानी कि सऊदी अरेबिया यूएई के खिलाफ एक ग्रुप बन गया, मुस्लिम ब्रदरहुड, तो उसको भी ईरान की तरफ से पूरी तरीके से सपोर्ट है, ठीक है। तो उसमें भी देखा गया कि इसमें भी जब ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है और ईरान को कतर सपोर्ट कर रहा है, तो इनडायरेक्टली माना गया कि कतर की इन्वॉल्वमेंट इसमें है। आपको पूरा इशू समझ में आ गया है? इशू क्या है कि कतर के ऊपर ऐसा चार्ज लगाया गया कि इस्लामिक, रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करने के लिए आप ईरान को सपोर्ट करते हैं, उसको फंड देते हैं, पैसा देते हैं, और बाद में ईरान के साथ साथ मुस्लिम ब्रदरहुड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप भी है,
जो कि सुन्नी इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप है, जो कि सऊदी अरेबिया और यूएई के खिलाफ काम करता है, टेररिज्म फैलाने का काम करता है। तो याद रखना कि ऐसे में कतर पर ये सैंक्शंस लगाएंगे कि कतर सऊदी अरेबिया और यूएई के खिलाफ काम करने लगा है। डायरेक्टली नहीं कर रहा लेकिन इनडायरेक्टली कर रहा है। तो इसीलिए 2017 में सऊदी अरेबिया और उसके एलाइज ने मिलकर यूएई, बहरीन, इजिप्ट, इन सब के ऊपर बहुत सारे क्या लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए। ठीक है, बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। तो ये चक्कर था। लेकिन चूंकि अब आपको ऐसा नहीं लगता कि कतर को अगर ये सारी कंट्रीज अपने से दूर करेंगे तो उसका खामियाजा इन्हीं कंट्रीज को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो अगर देखा जाए तो ईरान और स्ट्रांग होता है, और ईरान अगर और ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि ईरान के फेवर में फिर कतर जा सकता है। तो इसीलिए इन कंट्रीज ने वापस से ये सोचा कि हमें ईरान को इतनी प्रिविलेज नहीं देनी है, और ईरान के लिए इतना ज्यादा ये जो कतर है, कतर को हमें ईरान को लेकर इतना ज्यादा उनके फेवरेबल नहीं बनाना है। तो क्या किया गया, कहते हैं कि सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी डील लाई गई, और मेंबर ऑफ जीसीसी, मेंबर ऑफ जीसीसी मतलब ध्यान रखना कि जीसीसी के अंदर जो मेंबर हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो मेंबर है, कौन कौन मेंबर है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर एंड सऊदी अरेबिया और यूएई। तो अगर देखा जाए तो कितनी कंट्रीज हैं इसके अंदर, तो आप कहना कि 6 कंट्रीज हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने मेंबर्स होते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर, तो 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर। तो अल उलामर वापस से इन्होंने डील साइन की, और वापस से जब डील साइन की तो इन्होंने क्या कहा कि हम सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी डील, अगर आपसे पूछे ये किससे रिलेटेड है, तो आप कहना कि कतर के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस को हटाने से रिलेटेड है। यानी कि सऊदी अरेबिया के अंदर इस बैठक में, इस मीटिंग में डिफाइन हुआ कि हम लोग अब जो सैंक्शंस लगा के रखे हुए थे कतर के ऊपर, उन्हें क्या करेंगे, हटा लेंगे, और अब वापस हम क्या करेंगे, रीओपन करेंगे देयर लैंड, सी एंड एयर बॉर्डर्स टू कतर। हम अपनी जमीन और आसमान और पानी सब कुछ खोल देंगे, किसके लिए, कतर के लिए खोल देंगे। आप कहेंगे क्यों खोल दोगे, क्या लॉजिक हो गया इसमें, क्या समझ में, इसमें तो कुछ अच्छी बात नहीं है, और कतर ऐसा कर रहा है। आप जब आपके लिए कोई कुछ करता है तो आप भी भावुक हो जाते हैं, आपको लगता है कितना अच्छा इंसान है कि नहीं, और कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, कितनी प्यारी बातें करता है, आप भी ये सोचते हैं। तो फिर आप कहते हैं कि चलो इनके हिसाब से ही काम करेंगे। तो यानी कि यहां पर कोशिश की है गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज ने कि वापस से कतर को यूनाइट कर लिया जाए, उसको समझाया जाए कि ईरान के खिलाफ, ईरान का साथ नहीं देना है, जिससे कि गल्फ रीजन में बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगा। बताया कि टू यूनाइट एफर्ट टू प्रमोट द गल्फ रीजन, यानी कि गल्फ रीजन में कोशिश की गई कि वापस से हम क्या हो सके, यूनाइट हो सके, एंड कन्फ्रंट द चैलेंजेस सराउंडेड बाय देम, स्पेशली द थ्रेट पोज्ड बाय द इरानियन रेजिम न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम प्लान्स फॉर द सबोटेज एंड डिस्ट्रक्शन। कहा गया है कि ईरान का जैसा इतिहास है, हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें, और साथ के साथ आज के टाइम पर ईरान और यूएसए के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, और यूएसए के रिलेशंस सऊदी अरेबिया या फिर कह लें कि यूएई के साथ बहुत अच्छे हैं, तो जब इन कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि सऊदी अरेबिया, यूएई के रिलेशन ईरान के साथ अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन ईरान आज के टाइम पर न्यूक्लियर वेपन्स पर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है, साथ ही साथ अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने बहुत सारी ऐसी सीक्रेट तस्वीरें जारी की थी जहां पर यह बताया गया था कि हमारे ये ऐसे ठिकाने हैं जहां पर मिसाइल्स वगैरह हम रखते हैं, और हमारे पास इतनी ज्यादा रेंज की मिसाइलें हैं जो इसराइल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो इसराइल और ईरान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा आप पढ़ते रहते हैं, आप उसमें देखते रहते हैं कि इसराइल ईरान वाले इसराइल को धमकी देते हैं और इसराइल वाले ईरान को देते हैं। और मैंने एक हेजबल्ला ग्रुप भी पढ़ाया था आपको, जो लेबनान में ऑपरेट होता है, लेकिन जिसकी फंडिंग कौन करता है, ईरान करता है, और वो लेबनान से
इसराइल को धमकी देते हैं कि हम पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे, यानी कि आपकी इसराइल को तबाह कर देंगे। तो उसकी फंडिंग ईरान से जाती है। तो ईरान और इसराइल के रिलेशन अच्छे नहीं है। ईरान ने ऐसा माना जाता है कि अब तक 2000 किलोमीटर की रेंज तक की मिसाइल्स को डेवलप कर लिया है, दैट इज सफिशियंट फॉर हिट द इसराइल। तो ईरान के पास इस तरीके की मिसाइल सिस्टम है जो गल्फ रीजन में डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकती है, यानी कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच अगर कल को लड़ाई हो जाए तो सऊदी अरेबिया को काफी हद तक पेन में ला सकती है। इसीलिए जब हम एक्सपेंडिचर वाले या इंपोर्ट वाले इंडेक्स को पढ़ते हैं तो सऊदी अरेबिया आजकल डिफेंस के मामले में काफी तेजी से खर्चा कर रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा वेपन्स का इंपोर्ट सऊदी अरेबिया ही कर रहा है, तो उसका लॉजिक भी आपको यहां से समझ में आया होगा कि क्यों कर रहा है। इज इट क्लियर? क्या आपको ये पूरी तरीके से समझ आ गया है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, सऊदी अरेबिया क्यों ऐसे वेपन्स को खरीद रहा है? तो बिल्कुल, वेपन्स को खरीदने की मेन रीजन ये है कि ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से गल्फ रीजन में काफी हद तक डिस्ट्रक्शन पैदा हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, उससे बचने के लिए। और यूएई या सऊदी अरेबिया के रिलेशन अगर देखें तो यूएसए के साथ क्यों सही है, वो ज्यादा अलाइन क्यों करना चाहते हैं, तो उसका भी लॉजिक आपको यहां से मिलता है कि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर अनस्टेबिलिटी ना हो जाए और यूएस उनको एक, आप देखेंगे कि यूएई की बहुत सारी नेवल फोर्सेस जो है बहुत सारी नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रही है, तो उसका भी मेन रीजन यही है कि कल को अगर ईरान उन पर अटैक करता है तो उनको सपोर्ट करने वाली कंट्रीज होनी चाहिए। तो जबकि यूएई और सऊदी अरेबिया का पर्पज नहीं है कि इस तरीके से लड़ाई वड़ाई, वो काफी बहुत सेल्फ सेंटर्ड वहां की पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी वहां की जो गवर्नमेंट है, जो किंग है वहां के, वो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। गल्फ कोऑपरेशन कंट्री की बात करें तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एग्रीमेंट, एक समझौता हुआ था 1981 में, समझौता किया, और यह समझौता बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में हुआ था। साथ ही साथ इनका मेन पर्पज यह था कि किसी भी तरीके से इस्लामिक बिलीफ पर, यानी कि इस्लाम में बिलीफ करते हुए कॉमन ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और अपनी इकोनॉमी को, ज्योग्राफी को, अपने वहां पर पब्लिक वेलफेयर को, इन सभी को क्या करना चाहते होंगे, ये प्रमोट करने का काम करेंगे, लेकिन एक इस्लामिक बिलीफ को ध्यान में रखते हुए ये सारे डिसीजन लिए जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर जो होता है, यानी कि सबसे हेड बॉडी जो होती है, विच इज नोन एज सुप्रीम काउंसिल, और अभी अल उला में जो मीटिंग हुई वो इन्हीं सुप्रीम काउंसिल की हुई, यानी कि इसमें हाईएस्ट अथॉरिटी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन फिर उसके नीचे मिनिस्ट्रियल लेवल की काउंसिल भी होती है, यानी कि मिनिस्टर्स भी मिलते हैं, एंड सेक्रेटेरिएट जनरल यानी कि उसके नीचे जो होता है वो सेक्रेटरी जनरल भी होता है एक। तो इस तरीके से तीन स्ट्रक्चर में ये काम करता है। इसके हेड ऑफिस या सेक्रेटेरिएट इसके रियाद सऊदी अरेबिया में मिलेंगे आपको। कहां पर मिलेंगे? सऊदी अरेबिया में। इट इज अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द इट्स चार्टर। इसके चार्टर में लिखा गया है कि इकोनॉमी के लिए, सोशल के लिए, पॉलिटिकल के लिए, रीजन, अपने पर्टिकुलर रीजनल डेवलपमेंट के लिए, इस्लामिक बिलीफ को ध्यान में रखते हुए हम डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि हाँ समझ में आ गया है, फिर मैं आपको यहाँ पर इसके मैप से समझा देता हूँ कि बेसिकली क्या है। देखिए, अब आपको कतर की लोकेशन दिखाई दे रही है, तो कतर की लोकेशन काफी हद तक इन कंट्रीज के साथ शेयर की गई है, ठीक है। ये है पूरा हमारा गल्फ का रीजन, पर्शियन गल्फ है ये, आप देख सकते हैं, और यहां पर है आपको गल्फ ऑफ ओमान भी दिखेगा, और यहीं पर आपको फिर चाबहार पोर्ट भी दिखेगा। सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर एंड कुवैत, ये जो कंट्रीज हैं, ओमान, ये कंट्रीज जो है, ये कंट्रीज जीसीसी की मेंबर है। तो जब कभी पूछा जाए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन मेंबर नहीं है, तो माइंड में ये कैसे याद रखोगे, कैसे बोल रहे? तो ये छह कंट्रीज याद रखने का एक तरीका है कि ये सारी कंट्रीज आपस में जुड़ी हुई हैं। अब जैसे जीसीसी को लेकर कोई मुझसे पूछे कि सोमालिया इसका मेंबर है, या कोई पूछे ईरान इसका या इराक इसका मेंबर है, देन हमारा जवाब होगा नहीं जी, इराक, ईरान ये नहीं है, क्योंकि वो इसके साथ अपने लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते। इसमें वही मेंबर है जो इसके साथ लैंड बॉर्डर शेयर, तो आपको काफी तक अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो वह याद हो जाएगा।
ईरान कहाँ है? ईरान बेटा ये सामने ईरान है, और इन्हीं से तो ठनी हुई है इन लोगों की ऐसा करके, ठीक है? तो लेकिन ईरान इसके अंदर मेंबर नहीं है, ध्यान रखना, गलती से भी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में ईरान इज नॉट अ मेंबर ऑफ इट, यानी कि ईरान इसका मेंबर नहीं है, कोई गलती ये काम नहीं गलत नहीं करेगा, ठीक है? तो डन डनाडन कर दो कि हाँ सर बिल्कुल समझ गए, और ये टॉपिक पूरी तरीके से हमें क्लियर हो गया है, अगर हो गया है तो जल्दी से बता देंगे कि हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, भैया जल्दी बता देंगे। भैया अरे एक मिनट रुके, तो कर लिया इसको, जल्दी बता दीजिए, ठीक है? ओके, अब आपको ये क्वेश्चन में दे के जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यूएई, कतर, बहरीन शेयर द मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ द पर्स गल्फियन, ठीक है, पर्शियन गल्फ। तो पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट है कि सॉलिडिटी एंड स्टेबिलिटी डील चले गए, नहीं नहीं हूं अभी मैं ठीक है, हूँ, जाइए भैया। भैया मतलब घर पे थोड़ा काम वाम चल रहा है, हाँ, तो उस हिसाब से सॉलिडैरिटी एंड स्टेबिलिटी डील हैज बीन साइन। फोन कर लियो, किसको फोन कर लूं भाई? अमंग द गल्फ कंट्रीज द गल्फ कॉपरेशन हेल्ड एट सऊदी अरेबिया। तो बेटा ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में, मैं यहां पर आंसर नहीं बताऊं बता के जा रहा हूं आपको, रीजन आपको उसका पता ही है क्योंकि मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया है, तो आप जो भी इसको अभी देख रहा है तो अभी आंसर कर दे, और बाद में देखेंगे तो प्लीज डू द कमेंट, कमेंट करिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ जी इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल, इवनिंग में क्लास होगी कि नहीं होगी, आई विल टेल यू बाय द मैसेज, आपको पता चल जाए, प्लस क्लासेस दोनों हैं, बट शायद फ्री वाली क्लास या निःशुल्क क्लास जो होगी वो मुश्किल है। लास्ट में जाते जाते एक इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं कि जो बच्चे, मैं आपसे वापस से कहना चाहता हूँ, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीडीएस है, चाहे एफकैट है, या फिर कोई भी, ठीक है, प्रिपरेशन है, सीएपीएफ है, तो इन सब के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, आप ध्यान से ध्यान रखना कि आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी का प्लस कोर्स परचेज कर सकते हैं, और इस प्लस कोर्स की परचेजिंग पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरे प्यारे, जाने से पहले आप वीडियो को लाइक वाइक भी करके जाएंगे, दूसरा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारा कोर्स बस आप बिल्कुल लाएंगे लाएंगे, सबका कोर्स लाएंगे। जब भी कोर्स आप कोई परचेज करेंगे बच्चों, तो उसके लिए HIM12 ये कोड लगाना नहीं भूलेंगे, और मेरी जो स्पेशल क्लासेस है उनको देखने के लिए आपसे अगर जब कभी कोड पूछेंगे तो HIM12। मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप मेरी क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे, फ्री वाली भी और वैसी वाली भी। तो जाते जाते मैं आप सभी लोग को वापस से बोल देता हूँ, जय हिंद एंड हैप्पी होली टू ऑल, एंड सेफ होली खेलिए, आज के टाइम पर थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, और अवॉइड करिए रंगों को खेलना इस साल, तो अवॉइड कर ही दीजिए, मैं ये एक्सपेक्टेशन आपसे रखूंगा, और बाकी अच्छा और स्वस्थ जीवन जिए, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाइए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।